अमेज़ॉन पे या दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो सेल करते हैं। और ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इतनी सस्ती मशीन है, $150 की सिर्फ, और ये क्या बना रही है, बर्फ़ बना रही है भाई, आइस बना रही है। ये तो मैजिक है, मैजिक। हम वो चीप मटेरियल डाल दिया है बीच में और ये प्रोसेस हो गया जी, चावल इधर निकल रहे हैं। और यहाँ पे वेस्ट निकल रहा, एक ही सिंगल मशीन छोटी सी। हेलो गाइस, ये आपका चैनल फार ईस्ट एक्सप्लोरर। आज की जो हमारी ये वीडियो है ना, ये एक बहुत ही बड़े एग्जिबिशन के बारे में। ये जो एग्जिबिशन है ना भाई, ये होता है चाइना में, और इसमें हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कंज्यूमर आइटम, फर्नीचर, सैनिटरी, बस जो भी प्रोडक्ट दुनिया में चाइना भेजता है, चाइना उसके लिए साल में दो बार एक मेगा एग्जिबिशन करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जिबिशन है। तो आपको दिखाते हैं कि ये एग्जिबिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, और ये भी दिखाते हैं कि चाइना इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा है कि उसने इतने बड़े एग्जिबिशंस को होल्ड किया। कि ये जो इसका इवन एग्जिबिशन का जो कॉम्प्लेक्स है ना, आप देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके अंदर भी थ्री हॉल्स, और फिर ये चलता जाता है यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे ये वाले सारे एरिया में भी, और फिर इसके ऑपोजिट अब जिस कॉम्प्लेक्स में हम हैं, सेम वैसा ही कॉम्प्लेक्स ये है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो ऐसे मेगा कॉम्प्लेक्स बना दिया है उन्होंने, और फिर ये अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए एग्जिबिशन साल में ऐसा इतना मेगा जो एग्जिबिशन है साल में दो मरतबा होल्ड करते हैं, और हर तरह की आइटम है। जैसे आप देखेंगे ये कोई लाइट्स बेच रहे हैं, ये कई गार्डन की चीज़ें हैं, ठीक है। सो मैं क्विकली डिफरेंट स्टॉल्स पे जाके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनका आपको एक इंट्रो दूंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो क्योंकि एग्जिबिशन बहुत बड़ा है, हम कोशिश करेंगे कि तेज़ जो है ना डिफरेंट स्टॉल्स पे जाके आपको दिखाएंगे डिफरेंट किस किस तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोग मार्केट कर रहे हैं। आप ये देखो, इतनी सस्ती मशीन है, $150 की सिर्फ, और ये क्या बना रही है, बर्फ़ बना रही है भाई, आइस बना रही है, आइस बन रही है भाई। $150 की मशीन से आप आइस बना सकते हो। ये कोई मशीन है जी जो कि चावल जो है ना निकाल रही है, एक सिंगल मशीन से सारा काम हो रहा है, और ये बहुत ही सस्ती मशीन है, बहुत सस्ती मशीन है ये। इसने इधर निकाला है वेस्ट, और ये निकाले हैं इसने चावल, और यहाँ पे भी एक और मशीन है वो भी यही काम कर रही है, चावल की टाइप डिफरेंट है बस, ये की मशीन से सारा काम हो रहा है। मशीन है बहुत ही सिमिलर, एक ही काम हो रहा है। तो चावल के लिए लंबी चौड़ी फैक्ट्री की बजाय और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बजाय ये छोटी मशीन आ गई हैं, आप घर में खुद भी अपने चावल खुद से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास रॉ फॉर्म में आ गए हैं, बस आपने इस मशीन में डालना है और उसने आपके लिए चावल प्रोसेस कर देना। डाल दिया बीच में और ये प्रोसेस हो गया जी, चावल इधर निकल रहे हैं।
कहाँ पे वेस्ट निकल रहा। एक ही सिंगल मशीन छोटी सी और बहुत सस्ती मशीन है ये, बहुत सस्ती। मशीन जो है कि मशीन फोन पे प्रोटेक्टर लगा के देगी आपको। अब ये कोई लगवा भी रहे हैं वैसे, प्रोटेक्टर इस पर लग रहा है। ये इनसाइड नाउ, द फोन इज कमिंग आउट नाउ। ओके, 80% इज डन। That's my fault. Take it. Wow. How much you paid for it? Service is complete. The compartment door will close soon. Please keep your arms away from the door to avoid getting caught. Thank you. देखा भाई, प्रोटेक्टर भी मशीन लगा रही है। जॉब्स जा रही हैं दुनिया में। और ये जी एक कंपनी है कि जो कह रहे हैं हम स्मार्ट रिंग बेच रहे हैं, ठीक है जी, स्मार्ट रिंग। स्मार्ट रिंग है जी, क्या देख सकते हैं इससे, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, कैलोरीज, स्किन टेम्परेचर, पीडोमीटर, तो काइंड ऑफ वही स्मार्ट वॉच वाले फंक्शंस हैं। लेकिन ये इतनी छोटी सी इस रिंग में उन्होंने कर दिया है जी इसको। तो आगे से आगे जा रही हैं चीज़ें, ये सारी जो हैं स्मार्ट रिंग्स हैं। तो बड़ी बड़ी स्मार्ट वॉचेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो भाई, विंडो क्लीनर खुद से विंडो क्लीन कर रहा है। विंडो क्लीनर वाला ये एरिया है, यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो विंडो क्लीनर रोबोट बेच रही हैं। जैसे यहाँ भी ये विंडो क्लीनिंग हो रही है। और ये कोई कैप्सूल वाली मशीन दे रहे हैं। इस तरह काफ़ी सारे मशीन मैन्युफैक्चरर्स भी आए हुए हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स वाले भी आए होते हैं। तो हर तरह की, एवरी काइंड ऑफ आइटम, हर चीज़ जो है ना जी चाइनीज़ में इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बनाना स्टार्ट की हुई है। और बात हुई है कि एक तो क्वांटिटी में एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी मेगा लेवल पर बना सकते हैं और हर तरह की बना सकते हैं। ये यहाँ पे जो है ना जी पेपर कप बन रहा है, पेपर कप। तो ये पेपर कप की मशीन बेच रहे हैं। आप एक मशीन ले लो और पूरी फैक्ट्री लगा लो। ये किसी भी साइज के कप बना सकते हैं आप, छोटे बड़े जो मर्जी, जो भी कप या पेपर मटेरियल का पैकेजिंग। तो ये लो भाई, ये पता नहीं क्या बना रहे हैं, थ्रेड है कि लेस है या ये क्या है, बाहर हाल व्हाटएवर जो भी है। बट मशीन्स हैं जो कि हर तरह की मशीन, ये भी कुछ बन रहा है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से एग्जीबिशन की ह्यूजनेस का एक जो अंदाज़ा करवा सकूं, तो वो यही है कि यहाँ से ये शुरू होता है एक हॉल में, एक ये इस कॉम्प्लेक्स में तीन हॉल हैं, ठीक है, ये हो गया एक, और फिर ये चलता ही जा रहा है यहाँ से फिर वो आगे तक, फिर उसके अपोजिट साइड पर भी है। तो दिस इज़ ह्यूज एंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट। और इस वीडियो का भी यही मकसद था कि आपको दिखाएंगे कैसे चाइना जो है ना हर प्रोडक्ट बना रहा है और किस तरह ये लोग बड़े एग्जीबिशन होल्ड करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, और उन पर रिस्पॉन्स भी आता है कि पूरी दुनिया से लोग फिर उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं और आते हैं इन एग्जीबिशन पर। सो गाइस, आई डोंट नो, मैं आपको कैंटन फेयर की ह्यूजनेस, ये कितना बड़ा है, ये एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं। और इस तरह के कोई तकरीबन 40 हॉल्स हैं। तो बट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।